हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2। इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। On comparing A1 by A2, B1 by B2, C1 by C, just question number जो हमने second बनाया था वैसा ही question number third भी है। third का first देख लीजिए क्या है, 3x + 2y = 5। second है 2x - 3y = 7। इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड। तो बताया जा रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है कि कंपेयर करके बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कंडीशन आप लोगों को लिखवाया गया था। यहाँ से A1 / A2 निकालिए और मैं 1 / 1 यहाँ से लिखूंगा ना, इसे यहाँ से 3/2। B1 / B2 निकाल दीजिए, माइनस हो जाएगा 2/3 क्योंकि ये माइनस है यहाँ, ये दोनों इधर माइनस हो जाएगा। C1 / C2 = -5/-7 यानी कि सीधा 5/7। Since A1 / A2 ≠ B1 / B2 समझ में आ रहा है। तो कंडीशन दिखाया गया था A1 / A2 जो है B1 / B2 के इक्वल नहीं होता है, तो ये जो इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। जस्ट क्वेश्चन सेकंड देख लीजिए, दिया है 2x - 3y = 8। सेकंड 4x - 6y = 9। यहाँ से जो C का वैल्यू दिया है, ये C आप लोगों का इस साइड डाटा का कंपेयर करना होता है। तो A1 / A2 देख लीजिए क्या है, 2/4 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2। B1 / B2 कर दीजिए -3/-6 कैंसिल, 1/2। C1 / C2 देख लीजिए 8/9। तो देखिए, since A1 / A2 = B1 / B2 ≠ C1 / C2, तो given equation has inconsistent है। समझ में आ रहा है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा जब A1 / A2 = B1 / B2 ≠ C1 / C2 होता है। तो फटाफट हम लोग बना ले थर्ड, थर्ड दिया है 3/2x + 5/3। A1 / A2 निकाल दीजिए, A1 का वैल्यू क्या है 3/2 / 9 यानी 3/9 × 2 = 1/6। B1 / B2 देख लीजिए
निकालना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।